बताइए 20 जुलाई की रात आप चिल्लर के पास गए थे या नहीं देसी तमंचा खरीदने के लिए? जी योर ऑनर, मैं गया था। योर ऑनर, अब तो केडी पाठक ने भी मान लिया है कि वो देसी तमंचा खरीदने के लिए चिल्लर के पास गए थे, तो बात बहुत साफ है कि वरुण का खून उस तमंचे से केडी पाठक ने ही किया है। केस खत्म। पाठक साहब, आपकी लाइफ भी। जसवाल साहब, ये जो मुझे तख्ते तक पहुंचाने की इच्छा है आपकी, आपके इस जीवन काल में तो ये इच्छा पूरी नहीं होगी। तो भाग्य बिछाड़ी है ऐसे। क्या नाम था तुम्हारा? चिल्लर भाई। चिल्लर, चिल्लर भाई। तो चिल्लर, ये बताओ कि कौन सा तमंचा खरीदा था मैंने तुमसे? आपने बोला था कि मुझे देसी तमंचा चाहिए, जो मेरे पास था ही नहीं। तो क्या क्या बोला था मैंने? आपने कहा था कि वो देसी तमंचा मंगवा कर रखे, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। 20 जुलाई को कहा था कि 2 दिन बाद आऊंगा, तमंचा खरीदा नहीं था? जी नहीं, नहीं खरीदा। आप 2 दिन बाद आए ही नहीं। जिसका अर्थ ये होता है यार ऑनर कि मैंने चिल्लर से कोई तमंचा खरीदा ही नहीं। क्या समझ में नहीं आया यार ऑनर? तमंचा खरीदने गए थे, खरीदा नहीं, उंगलियों के निशान तमंचे पे है लेकिन गोली चलाई नहीं, क्या हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या है ना जसवाल साहब, आपकी जो इच्छा है 10 मिनट में केस जीतने की, उस पर जब नियंत्रण लगा पाएंगे और 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, उसके बाद ही इन बातों का मतलब समझ पाएंगे। समझे नहीं समझे, ध्यान से सुनिए, समझाता हूँ। योर ऑनर, वास्तव में वरुण के एक मित्र अब्बास पर देसी हथियारों की हीरा फेरी करने का आरोप लगा था। वरुण चाहता था कि मैं उसका मुकदमा लड़ूं। इसी की छानबीन करने मैं चिल्लर के पास गया था। योर ऑनर, 20 जुलाई को अब्बास के केस को लेकर वरुण और मेरे बीच बहस हुई थी। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप एक केस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब मुझे कब क्या करना है ये तुझसे सीखना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं अपने दोस्त अब्बास को जेल में सड़ता हुआ नहीं देख सकता। काम डाउन वरुण। आई कांट काम डाउन सर। अरे अरे, क्या करते हो तुम लोग? वरुण केडी के साथ ऐसा बात करता है? बाद में जिसका खेद मुझे हुआ। मैं आता हूँ अभी। योर ऑनर, वरुण आग्रह कर रहा था मुझसे कि मैं अब्बास का केस लड़ूं, और मैं उसकी बात को टालना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे छोटे भाई जैसा था वरुण। योर ऑनर, अटक साहब, मगरमच्छ के आंसू बहाकर अब कोई फायदा नहीं होगा। चलो मान लेते हैं आपकी बात को कि आप देसी तमंचा खरीदने नहीं, सिर्फ जानकारी हासिल करने गए थे, लेकिन वो जो बैलिस्टिक रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है और ट्रैजेक्टरी रिपोर्ट है, सब आपकी ओर इशारा कर रहे हैं कि आप ही ने खून किया है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, उस तमंचे का मेरे हाथ में आना एक संजोग है। स्पष्ट रूप से हत्यारे ने वो तमंचा मेरी ओर फेंका और मैंने उसे पकड़ लिया। रही ट्रैजेक्टरी रिपोर्ट की बात, तो स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे ने उसी दिशा से गोली चलाई जहां पर मैं खड़ा था। हाँ, गोली चलाकर तमंचा आपकी और फेंक कर कहीं भाग गया, नहीं भाग नहीं गया, छुप गया लाइब्रेरी में, कहीं छुप गया, लेकिन पुलिस ने जब पूरी लाइब्रेरी की तलाशी ली फिर भी उसे नहीं मिला। कमाल है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपको, बताइए ना कहाँ था वो खूनी? योर ऑनर, मैं रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी के संचालक मुकेश जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? मुकेश जी, आपके लाइब्रेरी में साधारण रूप से पूरे फर्श पे कालीन बिछी हुई रहती है, क्या यह सही है? जी हाँ। जहाँ तक मुझे याद है, उस रात 20 जुलाई की रात को कालीन के कुछ हिस्से निकाल कर लपेट कर एक कोने में रखे गए थे, क्या यह भी सही है? जी, दरअसल एक दिन पहले ही लाइब्रेरी में प्रेस कंट्रोल करवाया गया था, इसलिए सारी कालीन निकाली गई थी और एक एक करके सभी कालीन को फिर से लगा रहे थे, लेकिन कुछ कालीन लगाने की बाकी रही थी। क्या है ये? कालीन लगाई गई थी, निकाली गई थी, पेस्ट कंट्रोल हो रहा था, इससे वरुण के केस का क्या लेना? बार-बार बीच में बोलना जरूरी है। योर ऑनर, वो तीसरा व्यक्ति वरुण का असल हत्यारा कालीन के अंदर छिपा हुआ था। योर ऑनर,
वो जानता था योर ऑनर कि उस समय लाइब्रेरी से बाहर निकलना उसके लिए असंभव हो, इसीलिए उसने कालीन का उपयोग किया। नॉनसेंस, एक आदमी कारपेट के अंदर छिप जाता और किसी को पता भी नहीं चला। सेंस इज ओनली अवेलेबल टू द सेंसिबल, मिस्टर जायसवाल। मुकेश जी, कृपया बताइए इन्हें कि आपके कालीन का साइज क्या है। दरअसल 10x20 फीट की एक कालीन थी। 10x20 फीट की एक कालीन है जायसवाल साहब, और एक आदमी का कद 6 फीट से ज्यादा नहीं होता। राम जी, मैं समझ रहा हूँ मिस्टर सेंसिबल केडी पाठक, लेकिन शायद आपको इस बात का सेंस नहीं कि जिस रात से वरुण की मौत हुई उस रात से लेके अभी तक उस लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है और पुलिस का पहरा आज भी वहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसी हालत में वो खूनी जो कारपेट के अंदर छुपा हुआ था, लपेटे हुए कारपेट में, वो कब और कैसे बाहर निकला? निकला कब? उसी रात। कैसे? पुलिस की सहायता से। क्या क्या मतलब? योर ऑनर, जब फोरेंसिक और बैलिस्टिक डिपार्टमेंट के लोग वहां छानबीन कर रहे थे तो उस लाइब्रेरी से जो कोने में सामान पड़ा हुआ था उसे बाहर निकाला गया था पुलिस की निगरानी में। इसका अर्थ ये हुआ कि वो कारपेट्स भी वहां से बाहर निकाले गए थे, जिसके पश्चात पुलिस और डिपार्टमेंट के लोग उस लाइब्रेरी में प्रवेश कर गए। कारपेट्स पर किसी की नजर नहीं थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हत्यारा कारपेट से बाहर निकला और फरार। अच्छा, और एक बात, जरा सेंसिबल बात मुझे समझा दीजिए आप पाठक साहब, कि आम आदमी का वजन करीबन 60 से 65 किलो होता है, तो जब पुलिस ने वो कारपेट उठाया तो तब भी उनको पता नहीं चला कि अंदर कोई है? जायसवाल साहब, आपका सामान्य ज्ञान बहुत ही कम है। एक 10x20 फीट के कालीन का वजन करीब करीब 100 से 120 किलोग्राम तक होता है, और उसमें अगर कोई हल्का फुल्का सा व्यक्ति छुप जाए तो इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। उस कालीन को 4-5 पुलिस वालों ने एक साथ उठाया होगा, कौन अनुमान लगाता कि उसमें कोई व्यक्ति छिपा है? मैं आपकी बात से सहमत हूं मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वरुण की मृत्यु के साथ उस लाल पुस्तक का संबंध है। जज साहब, एक बात के लिए सहमत हो गए तो पाठक साहब आप लगे आज दूसरी बात भी मनवाना शुरू हो गए। योर ऑनर, मेरे पास साक्ष्य है ये प्रमाणित करने के लिए कि उस लाल किताब के कारण न केवल रिया की बल्कि और लोगों की भी जाने गई। इफ यू डोंट माइंड पटेल साहब, एक आध नाम मुझे भी बताइए ना प्लीज। योर ऑनर, रिया के पिताजी रवि कुमार, पहले ये शंका थी कि उनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि ये कार एक्सीडेंट करवाया गया था। योर ऑनर, अकस्मात नहीं हुआ था। इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। इंस्पेक्टर दवे, अदालत को कृपया बताइए कि रवि जी की गाड़ी की दुर्घटना कहाँ घटी थी? पुणे से मुंबई जाने वाली सड़क पर। इंस्पेक्टर दवे, रवि जी के गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद उनकी गाड़ी में से कुछ वस्तु बरामद हुए थे, जिसमें एक पर्चा भी था। वो पर्चा कृपया अदालत को दिखाएंगे? जी हाँ, धन्यवाद। योर ऑनर, ये टोल टैक्स। सर, अभी इंसान मुंबई से पुणे जाएगा तो टोल टैक्स तो भरेगा ही ना, कॉमन सेंस है भाई। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, मैं जायसवाल साहब कई बार आपसे ये कह चुका हूँ। योर ऑनर, ये टोल टैक्स की रिसीट है जो रवि जी ने भरी थी मुंबई टू पुणे। इसके 15 मिनट बाद ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो उसमें कौन सी खास बात है? सुन तो लीजिए, शायद समझ जाएं। विशेष बात यह है योर ऑनर कि मुंबई टू पुणे टोल भरने के 15 मिनट बाद उनकी गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ, तब उनकी गाड़ी उल्टी दिशा में थी। गाड़ी का मुख मुंबई की ओर था योर ऑनर, पुणे की ओर नहीं। इसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि टोल नाके से निकलने के बाद उन्हें किसी तरह का भय लगा, खतरा लगा, संभवतः कोई उनका पीछा कर रहा, इसलिए मुंबई आने के लिए उन्होंने गाड़ी मोड़ी और उसी समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। करेक्ट 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 करेक्ट, लॉजिकली एकदम करेक्ट है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है सिर्फ, कुछ सबूत या गवाह है? है ना जायसवाल साहब, मैं आपकी तरह यूं ही हवा में तीर नहीं चलाता। योर ऑनर, इस घटना का चश्मदीद गवाह लाखिया। जज साहब, उस गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए थी, किंतु उस गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक तेज थी और मेरी आंखों के सामने उस पेड़ से टकरा गई।
लाखिया जी अदालत को बताइए कि क्या उस गाड़ी के पीछे कोई और गाड़ी थी जो संभवतः उसका पीछा कर रही थी? थी ना साहब, जैसे ही गाड़ी एक्सीडेंट हुई पीछे वाली गाड़ी आके वहीं रुकी। के बाद वो महिला रवि जी की गाड़ी में कुछ खोज रही थी जो उसे नहीं मिला। मुझे शंका है कि वो उस लाल पुस्तक को खोज रही थी। और उसी को पाने के लिए वो रवि जी की गाड़ी का पीछा कर रही थी। भयभीत होकर उससे दूर जाने के लिए रवि जी ने अपनी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर भगाई और उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण भी 20 जुलाई के दिन उस लाल पुस्तक का पीछा कर रहे थे। अब संभावना यहाँ है कि उन्हें वो लाल पुस्तक मिली हो और उसी लाल पुस्तक को पाने के लिए उसी महिला ने वरुण की हत्या की हो। अब तक हम समझ रहे थे कि वरुण का हत्यारा एक पुरुष है, लेकिन अब संभावना दिखाई दे रही है योर ऑनर कि हत्यारा एक महिला है। क्या 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 रंग रूप काठी चेहरा उस महिला का देखा था? उस लड़की का चेहरा तो मैंने गौर से नहीं देखा, लेकिन उसकी हाइट लगभग 5 फीट रही होगी। पतली दुबली नाजुक सी लड़की थी। योर ऑनर, छोटी सी पतली दुबली नाजुक सी लड़की जिसका वजन जायसवाल साहब 40 से 45 किलो होगा, तो संभावना है कि वो कालीन में छिपी हो और इतना कम वजन होने के कारण पुलिस को पता ना चला। आप है ना टीवी सीरियल के डेली सोप की तरह दो ट्रैक को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि रवि की मौत का कारण सिर्फ वो लाल पुस्तक ही हो। योर ऑनर, रवि जैसे इंसान के कई दुश्मन थे और कई कारण थे लोगों को उसको मारने के। मिस्टर जायसवाल, आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, मैंने कहा था कि मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ। रवि असल में रवि नहीं था, उसका नाम था जोगिंदर अक्का जग्गा। एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन वगैरह वगैरह के कई केसेस चल रहे थे उस पर। कई बार पाठक साहब वो जेल की रोटियाँ भी तोड़ चुका है। और 2 साल पहले यरवड़ा जेल से जब वो रिहा हुआ तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उसका हाथ थमा वी राजन ने। योर ऑनर, वी राजन? वी राजन इवनिंग टाइम्स के संपादक जिनकी पिछले साल हत्या की गई। वी राजन सिर्फ संपादक नहीं थे, वो एक समाज सेवक भी थे, एक एनजीओ चलाते थे योर ऑनर। और उसके तहत वो ऐसे जो गुनहगार थे जग्गा जैसे, उसका हाथ थामते थे, उनको शरण देते थे, सुधारने की कोशिश करते थे। जग्गा सुधरने का प्रयास किया, नाटक किया एक्चुअली उसने, और धीरे धीरे इतना विश्वास जीत लिया वी राजन जी का कि वो सेक्रेटरी बन गया। और उनके घर के आउट हाउस में ही वी राजन जी ने उसको रहने की जगह दी। लेकिन 1 साल पहले वी राजन को उनके ही घर में मृत पाया गया और उस से जग्गा का जोगिंदर लापता है। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने अभी अभी तथ्य दिए कि रवि जी अवैध कार्य करते थे, तो इसकी संभावना है कि उनके हाथ वो लाल पुस्तक लग गई हो और उसके जरिए वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो जिसके कारण उनकी हत्या की गई हो। योर ऑनर, उस लाल पुस्तक का रहस्य इस कारण नहीं मिल रहा क्योंकि जो भी उस लाल पुस्तक के संपर्क में आया है वो जीवित नहीं रहा। और मुझे 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 पूरा संदेह है यार कि कहीं ना कहीं वरुण भी उस लाल पुस्तक तक पहुंचा था, जिसके कारण उसी महिला ने उसे मृत्यु के घाट उतारा। मिस्टर पाठक, मैं आपके जज्बात समझता हूं, लेकिन अदालत जज्बात पर नहीं सबूत और गवाहों पर यकीन करती है, और ये अदालत आपको काफी वक्त दे चुकी है। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे एक अंतिम अवसर दिया जाए। अगर अगली पेशी तक मैं असल हत्यारे को अदालत के सामने नहीं ला पाया तो आप मेरे विरुद्ध निर्णय सुना दीजिएगा। ठीक है मिस्टर पाठक, मैं आपको 1 दिन का समय देता हूं। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। किड में लाल पुस्तक की डिटेल जांच दंदन की लैब से करवाई है, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। सलाम साहब, अब उनके लिए कोई काम? अपने काम से काम रखो, वरना किसी काम के लायक नहीं छोड़ो।
केड़ी तुम्हारी वजह से झेल रहा हूँ इसे, वरना इतना बड़ा चोर है, हाथ मिलाएगा तो घड़ी गए, पांव छुएगा तो जूता गए। क्या साहब, अब उनकी तारीफ कर रहे या फिरकी ले रहे हो? श्रवण सॉरी बॉस। केड़ी क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उस लाल पुस्तक के पीछे कोई राज है? हाँ दवे, ऐसा मेरा विश्वास है। हो सकता है रिया के पास जो पुस्तक थी वो असल लाल पुस्तक नहीं थी। लेकिन रिया ने तो वही पुस्तक लाइब्रेरी से इशू करवाई थी। इसी गुत्थी को तो सुलझाना है। केड़ी, रवि उर्फ जग्गा, उसके घर की तलाशी के दौरान ये पेपर्स मिले थे। केड़ी, जिंदगी में पहली बार अपने असूलों के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वरुण के कितने करीब थे। उसे मारना तो दूर की बात है, तुम उसे एक चोट भी नहीं पहुंचा सकते। दवे, अभी यही बात अदालत में साबित करनी है और असल हत्यारे को दंड दिलवाना है, और ऐसा करने के लिए तुम सबकी मदद चाहिए। सर, एक सुराग मिला है, रवि के एक्सीडेंट के साथ जुड़ी हुई उस औरत का नाम। कौन है वो? मालती। वो उसके साथ ही रहा करती थी, और कंफ्यूजन की बात तो ये है कि कुछ एक साल पहले ही उन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था। हाँ बॉस, मालती बार डांसर ना। अरे बॉस, मालती एक बार डांसर है। अरे वो क्या है ना बॉस, ये रवि ना कुछ सालों से खूब पैसा कमा रहा था और वहां जाता था बार में, उड़ाता था पैसा। तो बस एक दिन दिल आ गया, उसने बोल डाला मालती को। तो मालती ने भी कहा ये रेंट वेंट ये बिल विल का चक्कर जाएगा, तो रहने लग गए साथ में बस। अच्छा, अब कहाँ रहती हो? पता नहीं बॉस, जब से रवि मरा है ना, वो भी गायब है और रवि का पैसा भी गायब है। सर, मुझे तो लगता है कि मालती ने ही रवि का खून किया है और वो भाग गई। लेकिन रिया ने अनाथालय में किसी से मालती के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? संभवतः क्योंकि वो अंतर्मुखी थी, किसी से बातें करना दोस्ती करना नहीं करती थी वो। बस अब इस मालती को हम ढूंढेंगे कैसे? लेकिन इस मालती को बिल के अंदर से भी बाहर निकालना पड़ेगा। दवे, ये देख, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल और उसके भुगतान की पावती, दोनों पे मीटर नंबर अलग अलग है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि रवि के दो घर थे, एक जिसमें रहता था और दूसरा गुप्त। मैं उस दूसरे घर के बारे में पता लगाता हूँ। ठीक है। अरे सीमा, तुम वी राजन को जानती हो? नाम तो सुना है शायद, पर पर्सनली कभी मिली नहीं। तो मारा था किसी ने। ये ताला किसने खोला? हाँ, ए रोक, ए रोक। अरे ये तो कोई औरत है। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने अदालत को वचन दिया था कि मैं असल हत्यारे को अदालत के सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं ऐसा करूं उससे पहले मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि इस अपराध के पीछे का कारण रुपया, पैसा, धन है। योर ऑनर, इसी धन के कारण अपराधी ने ये सारे अपराध किए हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं मालती नामक महिला को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहती हूं। अनुमति है, आइए। योर ऑनर, मालती जी वही महिला है जिनके साथ रवि जी के नाजायज संबंध, और पिछले कुछ एक वर्ष से ये रवि जी और रिया के साथ उन्हीं के घर में रहती थी। पेशे से ये एक बार डांसर है। नियत में खोट आने के कारण योर ऑनर, ये उस दिन रवि जी की गाड़ी का पीछा कर रही उस लाल पुस्तक को पाने के लिए जो इन्होंने सोचा रवि जी के पास। लाखिया के कथन के अनुसार रवि जी की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में ये लाल पुस्तक ढूंढ रही थी योर ऑनर उस गाड़ी में, लेकिन इन्हें वो मिला नहीं। इन्हें पता था कि रवि जी को लाल पुस्तक का राज पता चल गया है, जिसके द्वारा वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये भी धन कमाना चाहती थी योर ऑनर, इसीलिए
ये उस लाल पुस्तक को पाना चाहती थी, उसका राज जानना चाहती थी। लेकिन जब इन्हें वो लाल पुस्तक रवि जी की गाड़ी में नहीं मिला, तब ये रिया के पास गई अनाथालय। मालती जी, कृपया अदालत को बताने का कष्ट करें कि क्या है उस लाल पुस्तक में, क्या है उसका रहस्य। तुम वकील लोग कितना बोलते हो, थकते नहीं हो? खैर, मेरे को तो बहुत मजा है। क्या है ना, बहुत कम मर्द देखे मैंने जो मेरे सामने मुंह खोलते, वरना ज्यादातर मर्दों को तो। आप अपनी जुबान पर लगाम दीजिए, ये अदालत है और यहाँ के नियमों का पालन न करने वाले को दंड दिया जाता है। माफी चाहती हूँ साहब, इनकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई थी, लेकिन उस लाल पुस्तक के बारे में साहब मैं सच में कुछ नहीं जानती। जग्गा ने ना वो किताब रिया को दी होगी। योर ऑनर, जब मालती जी को गिरफ्तार किया गया तो भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है इनसे। ये बताइए कि आप अगर ऐसा सोचती थी तो जग्गा के धन के साथ, उनके लाखों रुपए के साथ आप उनके घर में क्या कर रही थी, उनके गुप्त घर में क्या कर रही थी? जग्गा ने खुद मुझे वो पैसे दिए और मुझे कहा कि मेरे वो दूसरे वाले घर पे चले जाए, और साहब मैं चली गई। ऐसा कब कहा था उन्होंने? मरने से पहले? मरने से पहले नहीं साहब, पूना जाने से पहले। जग्गा, उसका जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं उधर नहीं थी साहब। साहब, मैं और जग्गा ना बिल्कुल तोता मैना जैसे थे, बहुत लव था हम दोनों के बीच में। लेकिन वो जग्गा है ना, साल के 7-8 महीने तो जेल में रहता था। तकरीबन 1 साल पहले वो देर रात मेरे पास आया। उसने मुझे नींद से जगाया और कहा, मालती तू सारी जिंदगी मेरे साथ बिताएगी। पहले तो उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन बाद में मैंने सोचा साला 4 पैक मारकर आया है और खुद को रणबीर कपूर समझ रहा है। लेकिन साहब, वो उल्टो सच बोल रहा था। उसने हजार हजार की 5 गड्ढे निकाली। मैं उसको बोली, तू कोई बैंक लूट के आया क्या? तो मुझे बोला, बैंक लूटा नहीं है, बैंक में खाता खोला है, हर महीने उसमें लाखों रुपए जमा हो जाएंगे, तुम बिल्कुल आराम से रहना। मैंने सोचा साहब, मेरी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। वैसे भी ना, ये बार डांसर की नौकरी से तो मैं परेशान हो गई थी। मैंने उस नौकरी को लात मारा और जग्गा के साथ दिल्ली से मुंबई आ गई, और साहब यहाँ आने के बाद जग्गा रवि बन गया। बेटा, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। बाबा, ये सब मेरे लिए? सारे तुम्हारे लिए। वाओ, कितना अच्छा है। मैं रिया को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं रवि के साथ बहुत खुश थी। रवि कहाँ से और कैसे पैसे लाता था, ये मैंने उससे कभी नहीं पूछा। लेकिन खुशी अपनी जिंदगी को ज्यादा रास नहीं आई साहब। क्या हुआ जग्गा? तुम इतने घबराए हुए क्यों? इतना सवाल पूछना जरूरी है क्या? मुझे जरा सोचने दो, क्या कर रही हो तुम? अरे, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ी हवा तो आने दो। थोड़ी देर गर्मी सहन नहीं कर सकती? जब तक मैं ना कहूँ खिड़की और पर्दे खोलना मत, और बैठ जाओ यहाँ पर, मैं रिया से मिलकर आता हूँ। और हाँ, तब तक इधर से हिलना मत। बाप बेटी के बीच में क्या बातें हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आधे घंटे के बाद रवि रिया के कमरे से बाहर निकला और मालती, इस सूटकेस में लाखों रुपए हैं, इन पैसों को लेकर तुम मेरे दूसरे घर में जाकर छुप जाना और वहाँ छुप के रहना, संभल कर रहना, बाहर मत निकलना। और तुम लोग? हम लोग बाद में आ जाएंगे, तब तक तुम ना मुझे फोन करोगी ना ही मिलने की कोशिश करोगी। उस रात हम तीनों घर से निकल गए साहब, मैं दाहिनी और चली गई और बाप बेटी बाई और। उसके बाद क्या हुआ साहब वो आज तक पता नहीं चला। साहब, मैं लाल किताब के बारे में सच में कुछ नहीं जानती, अगर मेरे को कुछ पता होता तो मैं जरूर बताती साहब। साहब, एक बार फिर आपकी थियरी फेल हो गई, आप भी फेल हो गए। आप साबित नहीं कर पाए हैं कि ये लाल पुस्तक के पीछे थी और इन्होंने वरुण और रवि का खून किया। योर ऑनर, मालती झूठ बोल रही है। योर ऑनर, आप तो ट्राई कर चुके ना, अब
मैं करूं प्लीज? थैंक यू मालती जी। 20 जुलाई की रात जब वरुण जवेरी का खून हुआ, उस रात आप कहाँ थी? साहब ज्यादातर तो मैं घर पर ही रहती हूँ, लेकिन कभी कुछ राशन पानी का सामान लेने के लिए मैं पास के सुपरमार्केट चली जाती हूँ। शायद उस रात भी मैं पास के सुपरमार्केट में गई। योर ऑनर, मालती जी झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। क्योंकि जब मुझे पता चला कि पाठक साहब जो है वो मालती जी को यहाँ पे इस सुनवाई में कटघरे में बुलाने वाले हैं, समझ गया कि इनकी चाल क्या होगी, अपने आप को बचाने के लिए इन पे आरोप लगाएंगे। इसलिए पाठक साहब मैंने होमवर्क किया। योर ऑनर, ये सीडी है जिसमें 20 जुलाई की रात केबी सुपरमार्केट में जो सीसीटीवी फुटेज था वो रिकॉर्ड किया गया है। योर ऑनर, अब एक व्यक्ति एक ही समय पर एक साथ दो दो जगह पर कैसे हो सकता है, जबकि दोनों जगह में काफी अंतर हो। केबीएन सुपरमार्केट और रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी का डिस्टेंस करीबन एक घंटे का है योर ऑनर। इसका मतलब कि मालती जी को लाल पुस्तक के बारे में वाकई में कुछ पता नहीं है, वो उस रात लाइब्रेरी में गई नहीं। इसका मतलब कि मालती जी ने ना ही रवि का खून किया है और ना ही वरुण का। इसका मतलब कि मेरा दावा सच था, वरुण का खूनी और कोई नहीं सिर्फ पाठक साहब है, केडी पाठक। कुछ कहना चाहेंगे पाठक साहब? नहीं। योर ऑनर, पाठक साहब ने पिछली तारीख में इफ आई रिमेम्बर ये कहा था कि अगर इस तारीख में वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाते तो आप उनके खिलाफ उनके विरुद्ध फैसला सुना सकते हैं। तो योर ऑनर, फैसले की घड़ी आ चुकी है। आप इस केस में केडी पाठक को वरुण जवेरी के खून के आरोप में दोषी पाते हुए सजाए मौत, फांसी के तख्ते पर लटकाने की सजा सुनाई दीजिए। योर ऑनर, द प्रोसिक्यूशन रेस्ट। मिस्टर पाठक, आप अपने बचाव में कुछ सबूत या गवाह पेश करना चाहेंगे? तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पाठक अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाए। इसलिए यह अदालत उन्हें वरुण के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। अदालत की कार्रवाई में दखलंदाजी करने के लिए माफी चाहता हूं सर, लेकिन एक ऐसा गवाह है जो शायद केडी पाठक को बेगुनाह साबित कर पाए। सर, ये संजय पटवर्धन है, ब्रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी का वॉचमैन। जिस दिन से पुलिस लाइब्रेरी की छानबीन करके वहां से हटी है, ये वहां की रखवाली करता है। आप जो भी कहना चाहते हैं कटघरे में आकर कहिए। साहब, कल रात को किसी ने हमारे लाइब्रेरी में घुस के चोरी करने की कोशिश की थी। किसी ने आपके लाइब्रेरी में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन लाइब्रेरी में कोई चोरी क्यों करेगा? लाइब्रेरी में तो केवल पुस्तक होते हैं। योर ऑनर, मुझे पूरा संदेह है कि किसी ने इनकी लाइब्रेरी से लाल पुस्तक चुराने का प्रयास किया था। अगर आप मुझे आधे घंटे की मोहलत दें तो मैं इंस्पेक्टर दवे को भेजकर वो लाल पुस्तक वहां से मंगवाना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, ये बौखला गए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर दवे, मिस्टर पाठक जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो।
दवे, लाइब्रेरी में तुझे ये पुस्तक वहीं मिलेगी, उसी शेल्फ पर जहाँ प्रेमचंद की बाकी पुस्तकें रखी होंगी। और इस पुस्तक का सीरियल नंबर वही होगा जो उस पुस्तक पे था जो रिया से हमें मिले। ढूंढ। धन्यवाद योर ऑनर। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला योर ऑनर, क्योंकि वो लाल पुस्तक वहां पे है ही नहीं। पुलिस की हिरासत मंगवा के मैंने अपने पास रखी थी, ये रही वो लाल पुस्तक योर ऑनर। जायसवाल साहब, इसीलिए कहते हैं सामान्य ज्ञान इतना सामान्य नहीं होता। आप ही के गवाह थे इंस्पेक्टर दवे, आपने लाल पुस्तक के बारे में पूछताछ की थी उनसे। क्या कहा था उन्होंने? कुछ नहीं मिला उसमें, कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि वो पुस्तक, लाल पुस्तक, प्रेमचंद की कथाओं का संग्रह है। इसमें है ना ये प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह? हाँ, प्रेमचंद की कथाओं का संग्रह। अब लाल पुस्तक के कवर में प्रेमचंद की कथाओं का संग्रह है, तो प्रेमचंद की कथाओं के संग्रह के कवर में लाल पुस्तक का रहस्य होगा। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि रिया ने वो पुस्तक क्यों बदली? हाँ, वही पूछने वाला था, क्यों 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 बदली? योर ऑनर, जब रवि जी को लगा, रिया के पिताजी रवि जी को लगा कि उनकी जान को खतरा है, तो उन्होंने अपनी पूरी दौलत मालती को दे दी और वो लाल पुस्तक रिया के हवाले। उनकी मृत्यु के पश्चात रिया उस लाल पुस्तक को लेकर अनाथालय चली गई और वहां जब हत्यारे ने उससे वो लाल पुस्तक पाने का, छीनने का, चुराने का प्रयास किया, तब उसने एक तरकीब लगाई। ये है वो असली पुस्तक। थैंक यू दवे। हाथ मत लगाइए। अरे देखो तो। देखिए, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है योर ऑनर, कुछ नहीं। योर ऑनर, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह ये केवल कवर है, पुस्तक के अंदर कुछ और है। हेला डीवीडी। ये है योर ऑनर लाल पुस्तक का रहस्य। मैं इसे अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूँ। ये तो मशहूर बिजनेसमैन रतन सिंह है। ये तो कोई स्टिंग ऑपरेशन है। योर ऑनर, मुझे विश्वास है कि आगे और भी होंगे। शहर के सारे करोड़पति और बड़ी हस्तियां शामिल है इसमें तो। योर ऑनर, यही है लाल पुस्तक का रहस्य। अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाल पुस्तक के इस रहस्य से लोगों की जाने क्यों जा रही थी। लोग इस डीवीडी का उपयोग करके इन हस्तियों को, इन करोड़पतियों को ब्लैकमेल कर रहे थे और ब्लैकमेल करने के कारण उनकी जान ली जा रही थी। लेकिन ये डीवीडी जो ब्लैकमेल जग्गा कर रहा था वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जग्गा तो छोटा मोटा चोर था, ये डीवीडी उसके पास आई कहाँ से? अद्भुत बात है, जो उत्तर आप दे चुके हैं उसका प्रश्न आप अब पूछ रहे हैं। अभी ने कहा था कि आप होमवर्क करके आए हैं अपना, और जग्गा जो था वो वी राजन के शरण में था, उसका सेक्रेटरी था, उसी के घर के आउटहाउस में रहता था, उसके सारे काम करता था। तो आपके होमवर्क के द्वारा आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि वी राजन जो था अपने एनजीओ के आड़ में ऐसी हस्तियों के साथ मित्रता करता था और फिर ऐसे वीडियो निकलवाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था, जग्गा से ये काम करवाता था? योर ऑनर, योर ऑनर, पाठक साहब ने ऐसी दो व्यक्तियों का नाम लिया है, वीराजन और वो रवि अक्का जग्गा, जो अब इस दुनिया में रहे नहीं है, तो गवाही के लिए यहाँ बुला सकते नहीं है। और चलो एक बात मान भी लेते हैं कि वो जग्गा ब्लैकमेल कर रहा था, वीराजन ने स्टिंग ऑपरेशन किया, लेकिन इससे ये थोड़ा साबित होता है कि इन्होंने वरुण का खून नहीं किया। और अगर आपने खून नहीं किया है वरुण का, तो फिर किसने किया, प्लीज बताइए। और
और अगर आपने खून नहीं किया है वरुण का तो फिर किसने किया, प्लीज बताइए। ये क्या वापस देख तो लिया, अभी देख के क्या फायदा। योर ऑनर, वी राजन जी तो नहीं रहे लेकिन उनकी पार्टनर इन क्राइम हमारे साथ इस समय इस अदालत में उपस्थित है। योर ऑनर, मैं रिपोर्टर सीमा सहाय को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है सीमा जी। अब आई एम जायसवाल साहब इस बात का सबूत मांगेंगे। वैसे आपके बाल कुछ ठीक नहीं लग रहे। बस 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 योर ऑनर, इनके हाथों में वही टैटू जो इस समय स्क्रीन पर है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। वैसे आप पर संदेह तो मुझे तभी हो गया था जब आप मुझसे मिलने आई थी और आपने कहा था कि आप वी राजन जी को पहचानती ही नहीं। तुम वी राजन को जानती हो? नाम तो सुना है शायद, पर पर्सनली कभी मिली नहीं। आपने कहा था ना कि आप इवनिंग टाइम्स बार जो आता था उसकी रिपोर्टर थी और वी राजन जी उसी अखबार के कर्ता धरता थे, तो फिर एक ही साथ काम करते हुए एक दूसरे को नहीं पहचानना, ये सलाह अद्भुत बात है। यही है योर ऑनर, रिपोर्टर सीमा सहाय वी राजन जी की पार्टनर और वरुण की असली हत्यार। योर ऑनर, इनको मोहरा बनाकर वी राजन जी इस प्रकार के डीवीडीज बनाते थे और करोड़पति लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठते थे। अचानक एक दिन इनके मन में लालच का बीज जागा। इन्होंने सोचा कि जो वी राजन जी कर रहे हैं वो मैं स्वयं क्यों ना करूं, इसलिए इन्होंने वी राजन जी को अपने रास्ते से हटा दिया। एम आई राइट और एम आई राइट सीमा जी? राइट मिस्टर केडी, राइट। लेकिन राजन रॉन्ग था, उसके इरादे रॉन्ग थे। उसने मुझसे वादा किया था कि ब्लैकमेल वाले सारे पैसों को हम 50-50 डिवाइड करेंगे, पर उसने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको मार डाला। जग्गा आजा, जग्गा जगा, जगा, जगा। लगता है भाग गया साला डीवीडी लेके। देखती हूँ कब तक बचता है मुझसे। पूरा एक साल मैंने उसको तलाशा, उसके बाद वो मुझे मिला। लेकिन इस बार भी मुझे वो डीवीडी नहीं मिली। पैसों की मुझे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि अगर एक बार वो डीवीडी मेरे हाथ लग जाती ना तो मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए होते बैंक में। और रिया का पीछा करते करते मुझे ये भी पता चल गया था कि उसने वो डीवीडी लाइब्रेरी में छुपा कर रखी है। और जब मैं उस डीवीडी को लेने के लिए लाइब्रेरी पहुंची तब तुम्हारा पालतू असिस्टेंट वरुण वहां पर पहुंच गया।
और उसके बाद जब इन्हें पता चला योर ऑनर कि मैं रिया की लाल पुस्तक के बारे में जान गया हूँ, तो वह इन्होंने मुझसे पहले उस पुस्तक को प्राप्त करने का प्रयास किया। किंतु नसीब भी उसी का साथ देता है योर ऑनर, जिसका मन साफ होता है। The defense rests. इतना उलझा हुआ केस सालों बाद देखने को मिला। मिस्टर पाठक, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस केस को सुलझा दिया। आखिर आपने वरुण के कातिल को पकड़वा ही लिया। यह अदालत सीमा सहाय को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, वरुण के जाने का मुझे भी बहुत अफसोस है। थैंक यू। बॉस, बॉस वो अपुन ने अपना ही नाक कटवा डाला। वो सीमा ने अपुन को येड़ा बना के पेड़ा खिला दिया बॉस। उनको बहुत बुरा लग रहा है कि अपुन वैसी बंडलबाज लड़की को आपके पास लेकर आया। सॉरी बॉस, माँ की जय, अपुन को मालूम है कि आप उनको बहुत नाराज है ना बॉस। माँ की जय बोलने की तुम्हारी पुरानी आदत है। हाँ बॉस, वो बचपन से जब भी अपुन को कोई कुछ भी बोलता था ना, अपुन ऐसा माँ की जय बोलता था। कभी सोचा है तुमने कि अगर तुम्हारी माँ जीवित होती तो तुम्हें चोरी करते हुए देखकर क्या कहती? अच्छा हृदय है तुम्हारा, सही पथ पर चलोगे, जीवन में उन्नति करोगे। वरुण भाई बहुत लकी था, उसको आप जैसा गुरु मिला, आपने ट्रेनिंग दिया उसको, आप उनको भी सिखाइए ना। माना अपुन वरुण भाई की तरह इतना होशियार और पढ़ा लिखा नहीं है, पर बॉस कसम से अपुन आपके लिए जान दे देगा। वरुण की जगह कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं। तुम जाओ अब यहां से। अपुन नहीं जाएगा, उनको एक मौका दो ना। आपके साथ रहेगा अपुन तो आपके जैसा अच्छा इंसान बन पाएगा ना। सोचूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।